एक होता है रियल में जाकर उनसे मिलना, तो वो अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। नहीं, रतन टाटा सर से मिल के हमको यही पता चला कि सर जो है एकदम सिंपल। किस चीज को लगता है कि ये चीज यहाँ पर मतलब कमी है जमशेदपुर में, आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव से आप बताना चाहो? देखिए, यहाँ पर ये जलन की भावना बहुत ज्यादा है। जलन ये तरह का है कि हम उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। हम अगर यहाँ आर्टिस्ट है जमशेदपुर में तो कोई और आर्टिस्ट आगे ना बढ़े। नमस्कार, जोहार, मैं अभिषेक। और एक बार फिर से आप देखना चालू कर चुके हैं जमशेदपुर का सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला मीडिया चैनल जमशेदपुर स्टेट सिटी। फिलहाल आज हमारे साथ एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गेस्ट है जो कि जमशेदपुर के जाने माने आर्टिस्ट है। और अगर आप हमारे चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो ये वही आर्टिस्ट है जो कुछ दिनों पहले रतन टाटा से जाकर मिल चुके हैं। तो इनसे थोड़ी बातचीत करेंगे और साथ ही साथ थोड़ी एक हल्की फुल्की कॉन्वर्सेशन इनसे होगी। तो सबसे पहले जिस तरह से हमने जब आपकी जो खबर को ये किया था, काफ़ी लोगों ने प्यार दिखाया था, कैसा लगा जमशेदपुर के लोगों से प्यार? बहुत अच्छा लगा। हाँ, सपोर्ट मिलता है ऐसा, किसी से हम मिल रहे हैं तो उत्साह हमको मिलता है कि हम और भी आगे कुछ कर सके, कोई उस तरह का आदमी से मिल सके। दूसरा सवाल ये चाहे कि हाल फिलहाल में अपने रतन टाटा जी से मिला था, तो एक होता है कि हम अक्सर सोशल मीडिया में जनरली हम रतन टाटा जी के वीडियोस वगैरह देखते हैं, एक होता है रियल में जाकर उनसे मिलना, तो वो अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। उनसे मिलना और उनका पैर को छूना मेरा बहुत अच्छा, मेरा किस्मत में था तो मैंने वो सपना अपना पूरा किया। बहुत अच्छा लगा हमको दिल से, बहुत अच्छा। कुछ ऐसी बात बताना चाहेंगे जो आपको मिलकर पता चला है उनके पर्सनालिटी के बारे में या उनके व्यक्तित्व के बारे में? नहीं, रतन टाटा सर से मिल के हमको यही पता चला कि सर जो है एकदम सिंपल, मतलब सिंपल रहने वाला, सिंपल चीज़ ही पसंद करते हैं वो, सबसे ज़्यादा सिंपल, बस यही तो हमको देखने में मिला। और उनका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है। ऐसे आप गए तो होता है ना कि हाँ बॉडीगार्ड वगैरह जो खास करके जो ये रहते हैं, इस तरह से कुछ नहीं? उनका कोई ऐसा बॉडीगार्ड हमने देखा नहीं, बस वॉचमैन थे गेट में, गेट में वॉचमैन से मिले तो बस वो लेके गए हमको मिला ले। उस टाइप का हमने देखे नहीं कि उतना उसका बॉडीगार्ड है। तो ये जो था कि आपके जो दिमाग में आया कि रतन टाटा जी को एक भेंट करना, कैनवस जो आपने बना के दिया, ये कब से ऐसा था कि उनसे मिलने की इच्छा थी? मेरा उनसे मिलने का इच्छा करीबन 20 साल से मैं प्रयास कर रहा था कि हम सर से मिल के एक पेंटिंग उनका गिफ्ट करेंगे, तो 20 साल से मेरा सपना था। तो आज जाके 26 जून को मेरा सपना पूरा हुआ। एक चीज जो आपसे जानना चाहेंगे, आप कितने सालों से ऐसे ये कर रहे हैं, एज आर्टिस्ट काम कर रहे हैं? मैं 30 साल से करीबन ये पेंटिंग लाइन में हूँ। तो जैसे अगर हम जमशेदपुर की बात करते हैं तो ये जो शहर है, मतलब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कोई जो देख रहा है, कोई भी ऐसे आर्टिस्ट परस्यू करना चाहता है, जमशेदपुर शहर के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव से? आर्ट को लेके उत्साह तो बहुत है जमशेदपुर में भी, और उत्साह बनाए रखे तो अच्छा है कि अपना जो भी है बच्चे लोग में हम देखते हैं कि पेंटिंग लाइन को लेके मतलब बहुत ही अच्छा उत्साह है। और मतलब अगर मैं जमशेदपुर में, आप भी एक आर्टिस्ट हो और साथ ही और भी आर्टिस्ट है, तो मतलब किस चीज को लगता है कि ये चीज यहाँ पर मतलब कमी है जमशेदपुर में, आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव से आप बताना चाहो? देखिए, यहाँ पर ये जलन की भावना बहुत ज्यादा है। जलन ये तरह का है कि हम उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। हम अगर यहाँ आर्टिस्ट है जमशेदपुर में तो कोई और आर्टिस्ट आगे ना बढ़े, ये सोच रखता है। एक दो आर्टिस्ट है जो ये सोच रखता है, ये भावना रखता है कि हम उस आर्टिस्ट को क्यों आगे बढ़ने दें, उसको वहीं हम दबा दें, बस ये सोच बहुत खराब है। एक मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ कि जिस तरह से जैसे एक कैनवस आपने बनाया, ठीक है, तो उसकी जैसे जो प्राइसिंग वगैरह होती है, जिस तरह से एक होता है ना कि उस चीज़ की मार्केटिंग, चाहे वो एग्जीबिशन के तौर पर हो, चाहे वो अलग अलग कुछ इवेंट के तौर पर हो, तो जमशेदपुर में उस तरह का लगता है कि उस तरह का माहौल है या फिर लाइक ठीक ठाक सा माहौल है, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है? नहीं, माहौल ठीक है लेकिन उन तक पहुंचता नहीं है पेंटिंग। जैसे मैंने एक कोई भी पेंटिंग बनाई तो उन तक पहुंचता नहीं है, पहुंचने से जो लेना चाहता है उन तक अगर पहुंचे तो 100% है कि वो आदमी मतलब संतुष्ट होगा पेंटिंग और वो रेट देगा।
एकदम 100% है। तो उनका so like buyers है जमशेदपुर? हाँ buyers है जमशेदपुर में, अच्छा अच्छा buyers। और अगर मैं भारत में दूसरे शहरों की बात करूँ तो कौन कौन से शहरों में ज्यादा अच्छे स्कोप से मैं आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखना चाहूँ तो? ये बाहर में सभी जगह अच्छे हैं, लेकिन जमशेदपुर में भी है, लेकिन बाहर में देखिएगा तो आपका मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, या बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, ये सब जगह में ज़्यादातर मार्केटिंग अच्छा है पेंटिंग लाइन को लेके, कैनवास को लेके, वहाँ के बायर्स ज़्यादा खरीदते हैं, कोलकाता हो गए, ये सब में ज़्यादा अच्छा है। और इंडिया से बाहर? इंडिया से बाहर सब जगह अच्छा है, वहाँ से भी मेरे को परफॉर्मेंस मिलता है कि आप आइए यहाँ एग्जीबिशन लगाइए, वहाँ से मेरा मार्केटिंग अच्छा है, मेरा पेंटिंग वहाँ तक जाता है। अभी फिलहाल मेरा यूएसए में एक पेंटिंग किया है गुरु नानक देव जी का। एक दो साल पहले की बात करते हैं, 2021 में जब आप एक्टर सोनू सूद से मिले थे, तो उनसे मिलने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? उनसे मिलने का एक्सपीरियंस तो हमको बहुत अच्छा रहा, उससे भी वो करीबन मैंने भी ट्वीट किया था उनको पेंटिंग, तो उनको मेरा पेंटिंग पसंद आया, मैंने जो थीम दिया था उनको थीम मेरा पसंद आया, तो सोनू सूद भी कहीं ना कहीं दिल से बहुत उत्साह थे उन पेंटिंग को देखने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि जमशेदपुर के जो लोग हैं आप इसी तरह जो अपने आर्ट के तौर पर और इस शहर का एक अलग पहचान देते रहें, और जिस तरीके से जैसे अपने रतन टाटा जी को भेंट की सोनू सूद, हम भी उम्मीद करते हैं और जमशेदपुर की जनता भी उम्मीद करते हैं कि आप और अच्छे अच्छे कैनवास हो या पेंटिंग्स हो सेलिब्रिटी तक आपके काम पहुंचते रहे और जमशेदपुर का नाम इसी तरह से चलता रहे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।